नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गायसाज राजस्थान को धो डाला दिल्ली के सभी गेंदबाजों ने, खास तौर पे रविचंद्रन अश्विन ने तो राजस्थान के हाथों से जीता हुआ मैच छीन लिया। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि इनका यह फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी शो पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। जोफ्रा आर्चर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर पृथ्वी शो को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि शिखर धवन ने पारी को संभाला, मैदान में डटे रहे और 33 गेंदों का सामना करते हुए सबसे ज्यादा 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 172 की स्ट्राइक रेट के साथ 57 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। दूसरे नंबर पर रहे कप्तान श्रेयस अय्यर ने 43 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 53 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। हालांकि स्टोनिस से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि स्टोनिस आज कुछ बड़ा करेंगे, मगर दोस्तों स्टोनिस ने आज 19 गेंदों का सामना करते हुए केवल 18 रन बनाए। और इस तरीके से देखते हुए हमने सोचा था कि 190 रन बनाएंगे आज दिल्ली की टीम, मगर दोस्तों 161 रन ही बना पाई दिल्ली की टीम 7 विकेट गंवाने के बाद 20 ओवर में। राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट जोफ्रा आर्चर ने लिए। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में केवल 19 रन दिए, तो वहीं 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। मगर दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी दिल्ली के गेंदबाजों की। दोस्तों, दिल्ली के गेंदबाजों की तारीफ इसलिए हमें करनी होगी क्योंकि अंतिम 30 गेंदों में केवल 39 रन की दरकार थी राजस्थान को जीत के लिए। मगर दोस्तों, दिल्ली के गेंदबाज तो यार दिलवाले होते हैं, आप सभी को पता है। और दोस्तों, दिल्ली के गेंदबाजों ने 30 गेंदों में मात्र 25 रन दिए, मगर दोस्तों उसमें भी सबसे ज्यादा हमें तारीफ करनी होगी रविचंद्रन अश्विन की। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने 16वें ओवर में केवल 2 रन दिए और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें रविचंद्रन अश्विन की हमें तारीफ करनी चाहिए सबसे ज्यादा, और जो गेम चेंजिंग का जो अवार्ड है वो भी रविचंद्रन अश्विन को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, फाइनली इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 13 रन से अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को महान खिलाड़ी मानते हो, महान गेंदबाज मानते हो और आप शिखर धवन को महान बल्लेबाज मानते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।